Honorable Speaker, here Moses Evan. पंजाब असेंबली का बजट इजलास स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल की जेर सदारत आधा घंटा तखीर से शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग काफ के पार्लियामानी लीडर चौधरी जहीरुद्दीन की जानिब से रुकन सूबाई असेंबली मुनिस इलाही के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के मुतालबे पर उनकी सूबाई वजीर कानून और स्पीकर से नोक झोंक हो गयी। मैं चौधरी साहब की खिदमत दर्ज कर दूं कि प्रोडक्शन ऑर्डर होते हैं जेल से, चौधरी मुनिस इलाही साहब जो है वो जेल में नहीं है बल्कि एक रेस्ट हाउस में आराम फरमा रहे हैं। इसी असना में कायद हज़्ब इख्तलाफ राजा रियाज वजीर अला पंजाब को तवील अरसे के बाद असम्बली आने पर मुबारकबाद देने लगे तो हज़्ब इख्तदार की जानिब से पंजाब हुकूमत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी ईवान में नारेबाजी जारी थी कि कायद हज़्ब इख्तलाफ अपने नशिस्त से कायद ईवान की नशिस्त पर जा पहुँचे और उन्हें तिले वाला हार पहनाने की कोशिश की। वजीर अला पंजाब ने जो इस असम्बली का बाइकॉट किया था वो बाइकॉट उन्होंने खत्म कर दिया है, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। राजा रियाज की वजीरी आला की नशिस्त पर आमद पर लीगी अरकान असम्बली ने वजीरी आला के गिर्द हफाजती हिसार बना लिया जबकि अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने इकट्ठे हो गए और एक दूसरे से धक्कम पील और नारेबाजी शुरू कर दी। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, उनको उनको बात करने दो जी, हेलो ऐसे मत करें। इसके बाद अतराफ से मामले को सुलझाने के बाद कामरान माइकल ने बजट तकरीर का आगाज कर दिया।